अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 13.30.2 ट्रिग्नोमेट्री की जो क्लास मैट्रिक का आपके पास एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करवाऊंगा। इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इससे पहले मैंने आपको 30.1 का सॉल्व करवाया था और साथ साथ मैंने अपने चैनल के अंदर अपलोड कर दिया चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 18, चैप्टर नंबर 19, चैप्टर नंबर 21 के तमाम सवाल मेरे चैनल के अंदर अपलोड है। आप जाके चेकआउट कर सकते हो और देख सकते हो, ठीक है। साथ साथ मेरे पास अब अगला सवाल स्टार्ट हो चुका है 30.2 का। तो मेरे पास इसका पहला सवाल क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है फाइन थीटा। हमें क्या निकालना है, हमें थीटा निकालना है जबकि हमारे पास L और R की वैल्यू dV है। L और फिर बाकी टर्म हम dV और कहा जा रहा है कि आपने थीटा की वैल्यू क्या करना है, फाइन आउट करना है। तो चलें आज इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। हम लोग पार्ट वन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो लिखोगे गिवन, गिवन में मेरे पास जो चीज़ें वैल्यू होती है ना सवालात में dV, उसे हम लोग लिखते हैं। जैसे कि मेरे पास L की वैल्यू dV कितनी, 20 सेंटीमीटर। उसी तरह से हमारे पास R की वैल्यू क्या dV है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। दो वैल्यूज हमारे पास गिवन थी, मैंने लिख दिया। हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमें जो चीज़ निकालना है वो क्या है मेरे पास, थीटा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, इसको फाइंड आउट करते हैं कि थीटा बराबर होता है L अपॉन R के। किसके बराबर होते हैं, L अपॉन R के बराबर होता है, क्या बराबर होता है, थीटा, सॉरी R बराबर होता है L अपॉन R के ना, L अपॉन R, हमारे पास फार्मूला होता है किसके, R बराबर होता है किसके, L अपॉन थीटा के, ठीक है। किसके बराबर होता है, R बराबर होता है L अपॉन थीटा के। तो हम थीटा को ऊपर ले जाएंगे और R को क्या कर देंगे, नीचे ले जाएंगे, ताकि मेरे पास थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, फाइंड आउट हो जाए। तो थीटा लिखूंगा, L लिखूंगा और नीचे क्या लिख दूंगा, R लिख दूंगा। अब क्या करना होगा, हमें थीटा को वैसे ही लिखना होगा। L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू मेरे पास 20 है, नीचे 5, R की वैल्यू क्या है, 5, 5 1 5, 5 4 20। तो थीटा की वैल्यू क्या की, 4 रेडियन। हमेशा थीटा की वैल्यू किस में आती है बेटा, रेडियन में आती है। तो हमने इसको सॉल्व करके आपको दिखा दिया। सेकंड पार्ट को देखते हैं और देखते हैं किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है। मेरे पास लिखा हुआ है L की वैल्यू, फिर से लिखोगे गिवन, L की वैल्यू क्या है मेरे पास, L की वैल्यू है 30.2 सेंटीमीटर, जबकि R की वैल्यू क्या है, 2 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड में क्या है, हमें निकालना है थीटा को, फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या लिख दूंगा, थीटा लिख दूंगा, सोल्यूशन लिखूंगा। सोल्यूशन लिखने के बाद क्या करूंगा, मेरे पास जो फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, R बराबर होता है किसके, L अपॉन थीटा के। तो R लिखूंगा, L अपॉन क्या लिख दूंगा, थीटा। थीटा की वैल्यू निकालनी है तो R क्या हो जाएगा, नीचे चले जाएगा, ठीक है। अब क्या करूंगा, थीटा वैसे ही लिखूंगा, L की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, 32.2 डिवाइडेड बाई 2। ज़रा इसको कर लेते हैं डिवाइड, मेरे पास क्या होता है, 15.1 के बराबर आता है। किसके बराबर होता है, थीटा, 15.1 रेडियन। तो इसको भी हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर लिया बआसानी तरीके से। चलो आ जाओ इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, गिवन लिखेंगे फिर से और क्या लिखेंगे, L किसके बराबर है, 6 सेंटीमीटर के, जबकि R किसके बराबर है, 2.87 सेंटीमीटर के। हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है थीटा को। तो सोल्यूशन लिखेंगे, फार्मूला क्या होता है, R बराबर होता है किसके, L अपॉन थीटा के। तो L अपॉन क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और थीटा को हम ऊपर ले जाएंगे तो थीटा ऊपर चले गया, L अपॉन क्या हो गया, R। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, L की वैल्यू क्या है मेरे पास, 6 सेंटीमीटर, और जबकि R की वैल्यू क्या है, 2.87 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे 6 को डिवाइड करवा देंगे 2.87 से, तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है इसकी, मेरे पास वैल्यू आती है 2.09। तो मेरे पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.09 रेडियन। देखो कितना आसान तरीके से ये क्या होते जा रहे हैं, पूरे सवालात सॉल्व होते जा रहे हैं। अब मेरे पास फोर्थ वन है, तो इसको भी देख लेते हैं कि मेरे पास क्या है। मैं क्या लिखूँगा, गिवन लिखूँगा, और गिवन लिखने के बाद क्या लिखूँगा, L की वैल्यू देखूँगा क्या है मेरे पास, L की वैल्यू है 4.5 सेंटीमीटर। तो क्या लिखूँगा, 4.5 सेंटीमीटर, जबकि R की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2.5 सेंटीमीटर। तो क्या लिख दूँगा, 2.5 सेंटीमीटर लिख दूँगा, ठीक है। वही जो है लिखा हुआ उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू करके लिखते जा रहे हैं। जबकि हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, हमारे पास रिक्वायर्ड है थीटा की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे, हमें मालूम है फार्मूला क्या होता है, R बराबर होता है L अपॉन थीटा के। तो थीटा बराबर होता है किसके, L अपॉन R के।
तो थीटा लिखेंगे, एल की वैल्यू क्या है ज़रा देख के बताओ, एल की वैल्यू है 4.5, तो 4.5 लिख दिया, आर की वैल्यू क्या है 2.5, चलो इसको देख लेते हैं 4.5 और 2.5 किसके बराबर होते हैं, 4.5 डिवाइडेड बाई 2.5, तो मेरे पास होता है ये 1.8 के, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई 1.8 रेडियन। तो देखो हमने कितना आसान तरीके से पहले सवाल को विद इन 5 मिनट हमने क्या करा, इसको सॉल्व कर लिया पूरे सवालात को। चलो आज जो अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्व, और देखते हैं कि किस तरह से वो सवाल सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 2 आ चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या कहा जा रहा है, लिखा जा रहा है कि फाइंड करना है आपको एल की वैल्यू जबकि मेरे पास आर और थीटा की वैल्यू क्या है गिवन है। तो मैं क्या करूँगा, सॉल्यूशन करूँगा पहले पार्ट का, तो पहले पार्ट में मेरे पास गिवन क्या है, आर गिवन है, तो आर किसके बराबर है 1.01 सेंटीमीटर के, जबकि मेरे पास थीटा किसके बराबर है 2.1 रेडियन के, ठीक है, तो मैं 2.1 रेडियन लिख दिया। अब क्या करना होगा मुझे, मुझे रिक्वायर्ड में क्या है, मेरे पास रिक्वायर्ड में जो टर्म होगी उसको लिख दूंगा, तो रिक्वायर्ड में मुझे क्या निकालना, एल को फाइंड आउट करना है, तो सॉल्यूशन लिखूंगा, फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास कि आर बराबर होता है एल अपॉन थीटा के, तो क्या करूंगा थीटा इधर शिफ्ट कर दूंगा, तो मेरे पास एल की वैल्यू खुद ब खुद ही फाइंड हो जाएगी, क्या हो जाएगा आर थीटा हो जाएगा, ठीक है, ताकि मेरे पास एल की वैल्यू क्या हो जाएगी फाइंड आउट हो जाएगी। तो मैं लिखूंगा एल लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा, आर की वैल्यू क्या है मेरे पास 1.01 और थीटा की वैल्यू क्या है 2.1, चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और देख लो मेरे पास क्या आ रही है 1.01 मल्टीप्लाई बाय 2.1 से, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा 2.1 लिखूंगा, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी 2.12, तो मेरे पास आर की एल की वैल्यू क्या आ गई, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मेरे पास एल की वैल्यू आ गई 2.121 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा पहले सवाल का जवाब हो जाएगा। सेकंड सवाल क्या लिखेंगे, वही काम करेंगे, गिवन लिखेंगे, गिवन में क्या वैल्यू दी हुई है मेरे पास, आर की वैल्यू दी हुई क्या लिखी हुई है 5.1 सेंटीमीटर, जबकि थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है 2 रेडियंस, ठीक है, क्या दिया हुआ है 2 रेडियन दिया हुआ है। अब क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा, तो हम लोग रिक्वायर्ड में क्या लिखेंगे, वही टर्म लिखेंगे जो हम लोग अभी लिखते हुए आ रहे हैं कि मेरे पास क्या निकालना है, मुझे निकालना है एल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्टली लिख देता हूँ कि एल बराबर होता है मेरे पास आर थीटा के, तो एल लिखूंगा, आर की वैल्यू क्या है मेरे पास 5.1, तो क्या लिखूंगा 5.1, जबकि थीटा की वैल्यू क्या है 2 लिख दूंगा, तो क्या लिखूंगा 5.1 को मल्टीप्लाई करूंगा, 5.1 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 2 से करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 10.2 आ जाएगा, तो क्या लिख दूंगा एल की वैल्यू क्या आ गई 10.2 सेंटीमीटर, ठीक है, यहां तक तो कोई मसले की बात है ही नहीं। अब क्या लिखा हुआ है मेरे पास थर्ड वन जो है उसके अंदर लिखा हुआ आ रहा है कि आपके पास आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, तो क्या लिखूंगा 6 सेंटीमीटर लिखूंगा, आर मेरे पास किसके बराबर है गिवन लिखूंगा 6 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही, जबकि थीटा किसके बराबर है 30 डिग्री के, इसको कन्वर्ट कर देते हैं पाई बाय, क्या कर देते हैं 60 कर देते हैं, क्या कर देते हैं पाई बाय 180, ताकि मेरे पास क्या हो जाए मेरे पास इसकी रेडियन में वैल्यू आ जाए, तो क्या आ जाएगा 30 को जब 180 से डिवाइड करते हैं, 30 को जब हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं 180 से, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आती है 1/6, तो क्या लिख सकता हूँ मैं पाई बाय 6 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ पाई बाय 6 लिख सकता हूँ, चलो इसको सॉल्व करते हैं। और रिक्वायर्ड में क्या है मेरे पास, रिक्वायर्ड में मेरे पास लिखा हुआ है एल मुझे निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है एल बराबर होता है आर थीटा के, तो एल वैसे लिखा, आर की वैल्यू क्या है मेरे पास 6 सेंटीमीटर, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है किससे पाई बाय 6 से हो रहा है, ठीक है, तो ये 6 कट गया, तो एल की वैल्यू पाई आ गई, और मेरे पास पाई की वैल्यू क्या होती है, मेरे पास पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो क्या लिख दूंगा एल की जगह क्या लिख दूंगा 3.14 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस सवाल को हमने सॉल्व करना था, हमेशा डिग्री को क्या करना होगा, हमें रेडियन में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलो आज नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, नेक्स्ट सवाल में क्या लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है गिवन, देख लेते हैं आर की वैल्यू क्या लिखी हुई 15 सेंटीमीटर, तो क्या लिख दूंगा आर की वैल्यू मेरे पास क्या है 15 सेंटीमीटर, जबकि मेरे पास थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री और 30 मिनट, तो क्या लिखूंगा थीटा की वैल्यू 60 डिग्री और 30 मिनट, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, सबसे पहले तो 60 लिखता हूँ और 30 को क्या करता हूँ डिवाइड करवा देता हूँ 60 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 60, तो मेरे पास आता है 0.5 आता है, तो मेरे पास ये किसके बराबर हो जाएगा 60.5 डिग्री। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूँगा मैं 60.5 पाई बाय 180, ठीक है, यही होता है ना रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या लिखूँगा अब लिखूँगा 60.5 डिवाइडेड बाय किससे
180, तो मेरे पास क्या आता है इसका आंसर, मेरे पास आता है पॉइंट में 0.336, तो थीटा लिखूंगा 0.336 मल्टीप्लाई बाय पाई, इसको पाई से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और देख लेते हैं मेरे पास क्या आ रहा है। अगर मैं इसको पाई से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास इसकी वैल्यू आती है 1.05, तो क्या लिखूँगा 1.055, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह की डिग्री आई है। फार्मूला क्या होता है, L बराबर होता है R थीटा के, तो L लिखूंगा, R की वैल्यू क्या है मेरे पास 15 सेंटीमीटर है, तो 15 लिखूंगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई कैसे कर दूंगा 1.055 से। चलो आ जाओ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 15 से, तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 15.83, तो L की वैल्यू क्या आ गई 15.83 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास पूरे सवाल का क्या हो गया, जवाब हो गया, और इसका पार्ट टू को भी हमने क्या कर दिया, सॉल्व बआसानी तरीके से कर लिया। चलें आ जाएं इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। हमें क्या फॉलूम करना है, हमें R की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसान सवाल है, सेम उसी तरह से हम लोग मेथड से करेंगे, पार्ट वन को सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। तो गिवन में मेरे पास क्या है, मेरे पास थीटा की वैल्यू दी हुई 60 डिग्री। सबसे पहले डिग्री को क्या करेंगे हम लोग, डिग्री को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस में, रेडियन में। तो थीटा लिखूंगा, 60 डिग्री लिखूंगा, मल्टीप्लाई किससे करूंगा, पाई बाय 180 से कर दूंगा। तो 60 को पाई बाय 180 से करते हैं, मेरे पास क्या आता है 60 डिवाइडेड बाय पाई बाय, मतलब 180 से कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 1/3। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, पाई बाय 3 आ जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ मेरे पास क्या लिखा हुआ है, एल की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मेरे पास रिक्वायर्ड में क्या है, रिक्वायर्ड में इस दफ़ा मेरे पास आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। हमें मालूम है फार्मूला कि मेरे पास क्या होता है, R बराबर होता है L अपॉन किसके, थीटा के बराबर होता है, ये हमें मालूम था पहले से। तो मैं क्या लिख दूंगा, पहले लिख रहे हैं थीटा बराबर होता है R अपॉन L के, तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सेम इसी को करेंगे। तो ये मेरे पास R की वैल्यू निकालनी है, तो R को वैसे लिखूंगा। L की वैल्यू क्या है मेरे पास, L की वैल्यू अभी हमने लिखा है 2 सेंटीमीटर है, और थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाय 3, तो क्या लिख दूंगा, पाई बाय 3 लिख दूंगा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं कि 2 लिखूंगा, डिवाइड करवा दूंगा, शिफ्ट दबा के एक्सपोनेंट की वैल्यू लिखूंगा, और इसको क्या करूंगा, डिवाइड करवाऊंगा किससे, 3 से। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास ये डिवाइड होगा 3 से, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी 1.90। तो R की वैल्यू क्या आ गई, R की वैल्यू आ गई 1.909 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, आपके सामने सॉल्व करके इसको दिखा दिया। सेम क्या करेंगे, नेक्स्ट सवाल लिखेंगे, थीटा गिवन लिखेंगे। गिवन में मेरे पास क्या चीज़ गिवन है, थीटा की वैल्यू गिवन है, और रेडियन में तो बहुत अच्छी बात है, कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, 3.5 रेडियन है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू है 7/4, तो 7/4 मीटर में। अब मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 7/4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 से। जब भी मीटर से सेंटीमीटर में जाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई करवा देते हैं 100 से, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 175 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो L की वैल्यू क्या आ गई, 175 सेंटीमीटर, ठीक है। अब रिक्वायर्ड में जो चीज़ होगा उसको लिखेंगे। रिक्वायर्ड में मुझे क्या निकालना है, R निकालना है, सॉरी, हाँ, मुझे क्या निकालना है, R निकालना है। तो मेरे पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है R बराबर होता है L अपॉन थीटा के। तो R को मैं क्या करूँगा, वैसे ही लिख दूंगा, L की जगह क्या लिखूंगा, 175, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, 3.5, ठीक है, 3.5 था। तो 175 को डिवाइड कर दो 3.5 से, तो मेरे पास क्या आता है, 50 आता है। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 50 सेंटीमीटर। तो देखो इतना आसान तरीके से हम लोग क्या करते जा रहे हैं, सवाल को सॉल्व करते जा रहे हैं। सेकंड पार्ट भी हमारे पास आसान सा दिया हुआ है कि गिवन के अंदर मेरे पास क्या वैल्यू दी हुई है, गिवन के अंदर दिया हुआ है मेरे पास 1/4 रेडियन। तो थीटा की वैल्यू क्या है, 1/4 रेडियन, ये तो आसान तरीका हो गया, रेडियन में दिया हुआ है। और L की वैल्यू सेंटीमीटर में दी हुई है, तो क्या लिख दूंगा कि मेरे पास जो L है वो किसके बराबर है, 4 सेंटीमीटर के बराबर है। तो मैंने क्या लिख दिया, 4 सेंटीमीटर लिख दिया। रिक्वायर्ड में क्या है, रिक्वायर्ड में वही मुझे क्या निकालना है, R की वैल्यू को निकालना है। तो मैं क्या लिखूंगा, R क्या, क्वेश्चन मार्क, सॉल्यूशन लिखूंगा, R बराबर होता है L अपॉन थीटा के। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, L की जगह मेरे पास 4 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, ठीक है। ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं, मेरे पास 4 डिवाइडेड बाय 1/4, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आती है, 16 आती है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, R की वैल्यू 16 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है, 4 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16 आ जाएगा। अब मेरे पास इस एक्सरसाइज का, इस क्वेश्चन का आखिरी सवाल है, थीटा बराबर है 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, 180 डिग्री के बराबर है थीटा, डिग्री में है, रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो 180 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे,
पाई से डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो ये कटा तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, पाई मतलब 3.14, ठीक है। जबकि मेरे पास एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू है मेरे पास 15.4, तो एल की जगह क्या लिख दूंगा, 15.4 लिख दूंगा सेंटीमीटर। हमें मालूम है रिक्वायर्ड में कि मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है आर की वैल्यू निकालना है। फार्मूला मेरे पास क्या होता है, मेरे पास फार्मूला होता है कि आर बराबर होता है एल अपॉन थीटा के। तो आर वैसे लिखूंगा, एल की जगह क्या लिख दूंगा, 15.4, और नीचे क्या लिख दूंगा, 3.14। चलो इसको देख लेते हैं कि 15.4 डिवाइडेड बाय 3.14 किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है मेरे पास 4.90 के। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4.90 सेंटीमीटर। तो हमने ये पूरे सवाल को सॉल्व कर लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट को दूसरे पार्ट में सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड करेंगे और देखेंगे किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।